से आंखों तक के जिस सोच के साथ देखेंगे तो ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग का दीदार हम लोग इस ट्रेन के डब्बे में बैठ के खिड़की के द्वारा कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन के नीचे, निकाल रहे हैं क्या? नहीं, फंसी तो नहीं दिखेंगे। देख के आते हैं, हालत खराब हो गई है ट्रेन के नीचे। हमारे मयंक भैया खिड़की पे बैठे हुए हैं और इन नजारों को निहार रहे हैं। भाई साहब, अगर ऐसी सुंदरता और ये खूबसूरती आपको ट्रेन में बैठे बैठे देखने को मिल जाए ना, तो जरूरत नहीं है आपका साथ में कोई पार्टनर भी हो या फिर आप ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हो। सोलो ट्रेवल भी इतना अच्छा लगता है अगर इस तरह के खूबसूरत नजारे रास्ते में। भाई साहब, मैं खिड़की के बगल में यहाँ बैठा हुआ हूँ और लगातार इन नजारों को निहार रहा हूँ। बहुत सुंदर नजारे हैं। अब समय हो गया है छिंदवाड़ा छोड़ने का। पैकअप, होटल से निकलने के बाद यहाँ हो रहा है ऑटो का इंतजार। काफी अच्छा लगा छिंदवाड़ा आके, ज्यादा कुछ कवर कर नहीं पाए क्योंकि कल बारिश बहुत थी और आज भी मौसम बारिश वाला है। और दोनों भाई यहाँ खड़े हैं मंदिर के किनारे, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। अब चलते हैं ग्वालियर के लिए। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और अपनी ट्रेन का कर रहे हैं इंतजार। यहाँ जो नाश्ता किया सुबह के वक्त, डोसा और सांभर बड़े का, बहुत स्वादिष्ट था। कुछ चीज़ तो अच्छी लगी यहाँ पर आके, कि सांभर बड़ा और डोसा बहुत कमाल का लगा। और स्टेशन ये है, ट्रेन का इंतज़ार लगभग हो रहा है 40 मिनट से और हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है। मौसम अच्छा है इसलिए तो मतलब बुरा नहीं लग रहा है बैठ कर यहाँ पर। बाकी जो भी कुछ है आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम डेविड है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। गड्डी आ गई है भैया हमारी ग्वालियर जाने वाली, मस्त गाड़ी है। इस गाड़ी से रोते हुए हम जाएंगे वापस ग्वालियर। बहुत लेट है यार, बहुत लेट। फाइनली ट्रेन में चढ़ चुके हैं हमारे मयंक सर और मैं। और मौसम देखिए भाई साहब, अभी तक कितना बढ़िया था, ट्रेन चली तो फिर धूप निकल आई। ये बादल बहुत प्यारे दिख रहे हैं मयंक सर। बस हम वापस गर्मी में जाना है। चलो बढ़िया, जैसा भी रहेगा सफर आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए वीडियो। मजा आ गया। और हमारे मयंक सर पूरे गेटअप में आ चुके हैं, तैयार हो गए। जिस हिसाब से ट्रेन अभी तक लेट चल रही थी उस हिसाब से ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और बहुत शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ से यार। तो ये खूबसूरत नजारे हैं दोस्तों जुनारदेव रेलवे स्टेशन के। भाई साहब, इस जगह को तो है ना हिल स्टेशन घोषित कर देना चाहिए। इतने प्यारे नजारे थे, मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया, पर भाई साहब रियल में आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे बहुत शानदार नजारे थे रास्ते के जो थे इस जगह के। मैं यहाँ रहता होता ना तो सारे पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई चढ़ जाता। इतना सुंदर नजारा यार, मजा ही आ गया देख के दोस्तों। ये देखो बस ये ऐसी छोटी सी रिवर बह रही है। दोस्तों बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो या ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हो, तब पड़ता है जब नजारे अच्छे नहीं हो, ट्रेन का माहौल अच्छा नहीं हो। भाई साहब ये रास्ता इतना खूबसूरत है, जो रास्ते में देख रहे हैं वो मिल रहे हैं नजारे इतने खूबसूरत है, मैं क्या बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो आसपास बैठे हैं वो लोग भी अच्छे। मेरे आसपास ये देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं। मैं इनके बोल रहा था गाइस, हमारे स्वागत में यहाँ पे ढोल बज रहे हैं यार। नेताजी अमर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। देखिए 2:34 हो रहा है और भाई ये मौसम देखिए, ऐसा लग रहा है कि सुबह हो रही है। और सामने देखिए बहुत नजर आ रहा है, ये देखिए आप, बहुत शानदार नजारा है यार। ओह माय गॉड, अंधेरा हो गया है। टनल है, टनल, पहला टनल मिला हमें। ये बहुत लंबा है यार, मयंक बाबा बहुत लंबा है टनल।
वाओ यार क्या नजारा मिला है सुरंग से बाहर आते ही। बहुत शानदार, बहुत सारे टनल है यार इस रूट पर, मजा आ गया। इसमें बहुत स्लो जा रही है, बड़ा है वाह यार, बदतमीज नहीं हो रहा। हो गया पहाड़ों के रास्ते से होते हुए गुजर रही है ट्रेन और रास्ते में काफी सारे टनल देखने को मिल रहे हैं। लगभग अभी 400 निकल गए। तो एक और वाओ यार क्या सीन है, बहुत खूबसूरत यार, बहुत सुंदर। अभी और टनल आएंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आ रहा है इस यात्रा में। देखो हमारे मयंक भैया खिड़की में बैठे हुए हैं और इन नजारों को निहार रहे हैं। भाई साहब नेक्स्ट लेवल ये नजारे हैं इस यार रास्ते पर, कैसा लग रहा है मयंक सर? मजा आ रहा है? बहुत खूबसूरत यार नजारे है ना, कहने को तो जंगल है पर भाई साहब इसको अगर दिल से देखेंगे ना आप, दिल से आंखों तक जैसा के जिस सोच के साथ देखेंगे तो ये स्वर्ग है। और जिस स्वर्ग का दीदार हम लोग इस ट्रेन के डब्बे में बैठ के खिड़की के द्वारा कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं, तो इस बात पे एक लाइक बना दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्या देखो हमारे कैमरामैन बस तरीके से आपको नजारे दिखा रहे हैं। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उस तरफ, ये पूरी पहाड़ियां, ये बादल एकदम पहाड़ पे गिर चुके हैं, मतलब इतना सुंदर लग रहा है नजारा क्या ही बताएं हम आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है पहाड़, इतने बादल से ढके हुए हैं। देर से नजारे दिखा रहे थे, अब थोड़ा ट्रेन टूर दे देते हैं आपको। और सबसे बुरी बात इस ट्रेन की ये है कि इसमें एक भी भाई समोसे बेचने वाला, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला, पानी बेचने वाला नहीं आया, तो अभी ट्रेन पूरी झकाझक भर चुकी है और इटारसी आने वाला है कुछ ही देर में। तो ये गेट का एरिया है मस्त, और यहाँ पे ठीक ठाक साफ सफाई है। अगले नेक्स्ट डब्बे में चलते हैं, ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, इसमें खड़े हो गए लगता है झूला झूल रहे हो। बढ़िया, पूरी ट्रेन भर चुकी है अपनी। अरे वाह, यहाँ तो डिस्प्ले भी चल रहा है, गुड। भारतीय रेल में आपका स्वागत है, वेरी गुड। इंडियन रेलवे वेलकम टू यू। अब गाड़ी ने स्पीड बहुत अच्छी पकड़ ली है, ये 100 से ऊपर भग रही है भाई इस वक्त। तुम्हें जो खा के चले थे वहां से वो थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद तो आना खराब हो गई। खाना तो भाई साहब नसीब ही नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा जो होता है एक्सपीरियंस है सफर का जो आपको पता है। तेज भूख लग रही है, यहाँ क्या मिलेगा खाने को वो ढूंढ रहा हूँ मैं। ये क्या बेच रहा है पता नहीं, क्या बेच रहा है इधर, क्या मिल रहा है भाई? तो पराठा राठा कुछ बेच रहा है। ये खाना लेके आए हैं आज, इसके साथ करेंगे पेट पूजा। सब्जी यही लग रही, लाल लाल है, कलर डाल दिया हो। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बेस्वाद खाना इंडियन रेलवे स्टेशन पे ही मिलता है, मजा ही नहीं आया, खाना पड़ रहा है मजबूरी है। एक्सीडेंट हो गया, मतलब गाय आ गई ट्रेन के नीचे, बाकी सब लोग खड़े हैं तर पे, भगाने की कोशिश करी पर वो तब तक ट्रेन निकल ही गई उसके ऊपर से। देख के आते हैं, हालत खराब हो गई है ट्रेन के नीचे, नहीं बची वो, खत्म हो गई। बहुत गंदा सीन था, मैंने कैमरे में रखा नहीं उसको। गाय थी, गाय गई है, दिख रही है, दिमाग खराब हो गया देख के, पूरे छितड़े छितड़े पड़े।
खाना वाना खा लिया, काफी रात हो चुकी है और सब सो गए हैं। अब हमें रात भर जगना है क्योंकि ट्रेन 3 घंटा लेट चल रही है। ग्वालियर लगभग आएगा 1:30 से 2 बजे के आसपास, फिर ग्वालियर पहुंचना भी है। तो बस इतना ही कुछ था वीडियो में, अब बाकी घर पहुंच के आपको बता देंगे। ज्यादातर लोग सो रहे हैं और हमारे मयंक सर अभी भी जग रहे हैं। पहुंच गई फोटो, अच्छे फोटो खींचे भाई, वाटरफॉल वाले, वाटरफॉल वाले। क्या हो गया आंखें क्यों फाड़ रहे, सो जाओ। और अभी हम लोग झांसी पहुंचने वाले हैं। ट्रेन बहुत ज्यादा ही लेट हो चुकी है, 3 घंटा लगभग 3.5 घंटे लेट चल रही है। राइट टाइम जल्दी तो मैं अपने घर 10 बजे तक, 9:30 बजे तक पहुंच जाता और अभी 12:30 बज गए। हालत खराब, लगभग 1 बजे तक अभी घर पर पहुंचूंगा और मैं वही 4:30 बजे फिर ट्रेन पड़ेगी, फिर ग्वालियर तो सोने को ही नहीं मिलेगा। क्या करें भैया, होता है कभी कभी। नहीं सब चीज़ सही चल रही है भाई, ट्रेन लेट हो, जगना है पूरी रात, अभी जगना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सो गए और ट्रेन आगे निकल गई तो मैं ग्वालियर पहुंच जाऊंगा। ग्वालियर पहुंचे कल प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा, और सबसे प्लेटफॉर्म पे सोने की दिक्कत नहीं है, वो तो मैं अरेंज कर लूंगा, बट है क्या ना सुबह ये लोअर टी शर्ट में स्कूल नहीं जा पाऊंगा। हाँ सही बात है, आई विल इशू विद माय लंच आल्सो। लंच कौन बनाएगा मुझे, वो तो मैं ले आऊंगा। आप ले आओगे माना मैंने आपकी बात, बट सोच रहा था थोड़ा घर तक टाइम पर पहुंच जाता। सही है, ठीक है कोई नहीं, लेकिन अभी हम करेंगे कुछ ना कुछ मैनेज और इजीली अपने घर पर जाएंगे। 1 बज जाएगा 1:30 बज जाएगा लगभग घर पर पहुँच के, फिर ट्रिप डेविड भाई के साथ में आप कंटिन्यू करोगे ग्वालियर तक, और ग्वालियर के बाद फिर ये ट्रिप एंड होगी और आपको हमारी जो भी मेमोरी रहेगी ट्रिप की वो इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। तो झांसी से हम निकल चुके हैं, अब इसके बाद आएगा डबरा, फिर आएगा ग्वालियर। यस, समाप्ति की ओर, यात्रा समाप्ति की ओर। तो अभी फाइनली 30 मिनट्स में डबरा जाएगा, वहाँ से मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा। यात्रा सिर्फ आप दोनों की रह जाएगी, आप लोगों की और डेविड भाई की, तो आपको कंटिन्यू करना। ठीक है भाई साहब। तो गाइस आ गया है मयंक सर का मंजिल डबरा। तो गाइस अपना सफर इतना ही था, अपना साथ इतना ही था, आगे की जर्नी के लिए डेविड भाई मैं तो लेटूंगा भाई, 1 घंटा और झेलना है। मतलब लेटूंगा बर्थ पे, बस 1 घंटे की बात और है, पहुंच जाएंगे। बहुत लेट कर दी गाड़ी, लगभग 4 घंटा लेट है भाई। बाय बाय, पहुंच जाओगे ना अच्छे से घर? अरे अच्छे से जाएंगे, ठीक है, गुड नाइट। आ गया भैया ग्वालियर अपना, क्या बात है यार, अपना शहर पहुंच के सारी थकान दूर हो जाती दोस्तों, अलग ही वाइब है अपने ग्वालियर की, मजा आ गया। तो देखिए टाइम 1:44 हो रहा है और उम्मीद नहीं थी इतनी लेट आएंगे। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी रात को किसी ट्रेन से मैं ग्वालियर पहुंचा। चलते हैं भैया, अब ऑटो पकड़ते हैं, घर निकलते हैं। आगरा कैंट के रास्ते पहुंच गए हम लोग, ये खड़ी हैं ऑटो। चलो भैया चलिए।